हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है 2023 का टायर वन का। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई 2023 के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। आज 17 जुलाई की को इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल गया है, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पीडीएफ भी मिलेगी आप लोगों को, पीडीएफ से घबराना मत। और जितने भी उस क्वेश्चन के आसपास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी जो पेपर का जो लेवल आ रहा है सेम एज इट इज, प्रीवियस ईयर की तरह ही रह रहा है, इजी टू मॉडरेट। जो आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था समीम अहमद खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये आप लोग के एक सितारिस्ट है एंड कंपोजर है एंड नोटेबल ये स्टूडेंट हो पंडित रविशंकर। तो ये पंडित रविशंकर के स्टूडेंट थे। ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को ये पता चल जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को रिवाइज करके जाना है जिनका भी एग्जाम होगा अपकमिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का विच टेस्ट कंडक्टेड फॉर स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? द आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द बायोलॉजिकल मटेरियल्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था व्हाट इज इन द पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में पार्ट 9A में क्या चीज़ मेंशन है? तो इसमें पार्ट 9A में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये किस अमेंडमेंट से आया था? ये 74th से आया था। इसमें म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बात होती है और जो 17(3) आता है उसमें आप लोगों की जो लोकल होती है सेल्फ वाली विलेज पंचायत वाली उसके बारे में बात होती है। तो 74th के बारे में पूछा है। तो इसमें आप लोगों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द अर्बन लेवल जो कि म्यूनसिपलिटीज़ होता है, तो वो आप लोगों का पंचायत के लिए था 73 वाला। तो दोनों आप लोगों से पूछे जाते हैं, दोनों के ईयर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं 1992 एंड 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये था आप लोगों का पार्ट 9A। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आज तक हुए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं सारे देख लेते हैं। ये लगभग जो पहला हुआ था आप लोगों का 1951 में हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें आप लोगों को पता ही है इंडिपेंडेंट रिपब्लिक 15 क्लोज पोर्ट है इसमें। और उसके बाद जो आप लोगों का 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में हुआ था, इसमें आप लोगों का जो हाई कोर्ट था उसमें जो उनकी जो एज होती है रिटायरमेंट की वो 60 से 62 कर दी थी। उसके बाद आप लोगों को 14th भी याद रखना है और एक 13वां नागालैंड वाला याद रखना है, 14th आप लोगों को पुडुचेरी वाला याद रखना है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद एक आप लोगों को याद रखना पंजाब एंड हरियाणा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अलग हुए थे, 21 वाला भी याद रखना 1967 में इसमें सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। उसके बाद 24वां भी आप लोगों से पूछा जाता है और 42वां तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड जोड़े गए थे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एडिशन इसी में हुआ था। 44th आप लोग का 1978 में होता, 4 और 4 8 होता है तो इसका ईयर की ट्रिक हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, जो हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो था उसको हटा दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 61 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1988 में हुआ था ये, इसमें आप लोग की जो वोटिंग की एज है उसको 21 से 18 किया गया था। 73 हम लोग देख चुके हैं ये पंचायती राज वाला है और 74 आप लोग का म्यूनसिपलिटी वाला है। फिर आप लोग को 86 याद रखना है, इसमें क्या था राइट टू एजुकेशन हैज बिकम द फंडामेंटल राइट, ये कब हुआ था 2002 में हुआ था, 8 में से 6 जाके 2 बचते हैं इसकी ट्रिक होती है। उसके बाद 92 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या था, इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी बोडो डोगरी संथाली एंड मैथिली। और 99 वाला 2014 में हुआ था तो इसमें क्या था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, इसको बाद में रिपेल भी कर दिया गया था तो स्टेक डाउन कर दिया 2015 में। तो 101 वाला GST था आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट आता है 102 आप लोगों का, 103 वाला आप लोगों का क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 10% रिजर्वेशन था। 104 में क्या था आप लोगों का जो SC ST की सीट थी उनको फिर से रिजर्वेशन के लिए टाइम 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 10 साल या 20 साल जो टाइम होता है वो, तो एक्सटेंडेड कास्ट वो लोकसभा एंड सेट जो। और 105 वाला भी याद रखना आप लोग जो लेस्ट रेट है 105 वाला, इसमें क्या रहता है, इसमें यह है कि आप लोगों का जो स्टेट को एक पावर दी गई है कि वो OBC की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो 105 भी याद रखना, टोटल 105 हो चुके हैं, सारे के सारे आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करवा दिए। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है द हाइएस्ट रेजिस्टिविटी, तो किस मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाइएस्ट होती है, तो या तो ऑप्शन में एल्बोनाइट होगा या फिर नाइक्रोम होगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ मेटल की रजिस्टिविटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया, आप लोग यहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं किस मेटल की क्या रजिस्टिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों से पूछा गया था जो कुमायूं हिमालय होता है ये किसका पार्ट होता है, किस किस के बीच में पड़ता है, एक पार्ट ऑफ हिमालय होता है, ये लाई करता है सतलज एंड काली रिवर के बीच में, किसकी, सतलज एंड काली रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड था आप लोगों का ये। फिर आप लोगों से पूछा गया था कि पद्म विभूषण अवार्ड 2023 कितने लोगों को दिया गया, तो टोटल 6 लोग हैं
उन छह लोगों के आप लोगों को नाम भी याद रखने और उनकी फील्ड भी याद रखनी। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर गुजरात से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन आर्ट से रिलेटेड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और दलीप महालनोबिस हैं, इनको पोस्टमॉर्टम दिया गया था, मरने के बाद दिया गया था, मेडिसिन की फील्ड है इनकी और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्रीनिवास वर्धन ये साइंस एंड टेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सीएम रह चुके हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा था 36th नेशनल गेम किसने होस्ट किए, तो ये गुजरात ने होस्ट किए हैं। टोटल टीम कितनी थी, 37 थी, इवेंट 36 थे और वेन्यू क्या था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था हाई कोर्ट की जज की जो सैलरी कितनी होती है, तो जो हाई कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होता है, तो चीफ जस्टिस की सैलरी पूछे तो 2.5 लाख होती है और अगर पूछे अदर जज की तो 2.25 लाख, 2.25, तो 225 ये आप लोगों की अदर जज की होती है। अगर पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है, तो 2,80,000 होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था वेर इज़ द मस्की, तो मस्की पूछा है किस स्टेट में, तो आप लोगों का कर्नाटका में है। उड़ीसा के फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाएंगे आप लोगों के जिनके भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो उड़ीसा के फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा होगा। रथ यात्रा होती है, छऊ फेस्टिवल, कलिंगा महोत्सव, फिर आप लोगों का शीतल सती कार्निवल होता है, कोनाक डांस फेस्टिवल होता है, गामा पूर्णिमा होता है, गणेश चतुर्थी होती है, बाली यात्रा होता है, रजपर्वा होता है, धनु यात्रा होती है। सारे फेस्टिवल किसके हैं, उड़ीसा के हैं, तो आप लोगों को याद रखने हैं, आप लोगों से पूछे जाएंगे अपकमिंग शिफ्ट में भी। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन कितने होते हैं, देर दो होते हैं आप लोगों के, एक तो जिसका मास 35 होता है, एक 37 होता है। उसके बाद पूछा गया था जो फ्रेंच ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया फॉर 6 टाइम, तो ऐसा कौन सा फ्रेंच ट्रेवलर था जो इंडिया में 6 बार विजिट हुआ था, वो था आप लोगों का ट्रेविनर, और ये 1630 से लेकर के 1668 के बीच में इंडिया को ट्रेवल किया था 6 टाइम। अंचल ठाकुर पूछा था ये किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों के अल्पाइन स्केयर है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के जो पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा की गई सीजल की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। इसकी 14th of December की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद आज 17 जुलाई है, 17 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके एनालिसिस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे देखेंगे, पेपर का लेवल सेम देखने को मिल रहा है, इजी टू मॉडरेट। तो चलिए जल्दी जल्दी एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हु होस्ट द एशियन गेम मैक्सिमम टाइम, तो जो एशियन गेम होते हैं पहली बार 1951 में दिल्ली में हुए थे, तो आप लोगों से पूछा गया था कि इसको सबसे ज़्यादा बार किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो थाईलैंड ने इसको सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। कब कब, 4 बार होस्ट किया, 1966 में, 1970 में, 1978 और 1998 में। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, तो जो प्रोपीन होता है उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, ये होता है C3H6। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते चांगला डांस, तो ये जो चांगला डांस है ये किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है आप लोगों का नागालैंड में। तो स्टेट के जितने भी फोक डांस होते हैं इस पर क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आप लोग चाहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैक्सिमम गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक 2020, तो जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड किस कंट्री के द्वारा जीते गए थे, तो यूएसए ने 39 जीते थे और चाइना ने 38, तो जिसमें नंबर वन पोजीशन पर था वो आप लोगों का यूएसए था। अब यूएसए जो आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक हुए इसमें इंडिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमारी जो रैंक है इस बेस्ट एवर मेडल टैली ऑफ 7 इन टोक्यो ओलंपिक 2005 सरपासिंग था, हमने 6 मेडल जीते थे 2022 को, हमने इसमें हमारी जो रैंक थी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा हमारे टोक्यो ओलंपिक में रैंक कितनी थी। तो बाकी इसमें जो MC मैरी कॉम थे और हमारे मनप्रीत सिंह थे फ्लैग बेयरर थे ओपनिंग सेरेमनी में, और जो बजरंग पुनिया थे ये फ्लैग बेयरर थे एट द क्लोजिंग सेरेमनी में, और हमने एक मेडल जीता था वो भी जेवलिन थ्रो में भाई नीरज चोपड़ा के द्वारा, तो इसमें हमारी रैंक शायद 48 थी। तो आप लोग कंफर्म करिएगा इसमें हमारी रैंक कितनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था द टर्म समहर्ता, ये जो समहर्ता टर्म है मौर्यन एम्पायर में यूज होता था, तो इसका मतलब क्या था, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था चीफ का तो उसी को क्या बोलते थे, समहर्ता बोल रखते थे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था आर्टिकल रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, तो जो नागरिकता है सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के बीच में जो है इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास,
वेदों की ओर वापस लौटो, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो देख लेते हैं। एक तो ये क्या आते हैं, ये सरस्वती सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इनका जन्म 1824 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? टंकारा जगह पड़ती है गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज को फाउंड किया था और वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। पर्पज़ क्या था इसका? एजुकेशनल स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस स्टडीज़ एंड सोशल रिफॉर्म इसका पर्पज़ था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था उसका जो मेन एम था वो क्या था? तो इसका जो मेन एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की गई थी और स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर। आप लोगों को पता है तीन पावर प्लांट जो है, तीन प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे वो भी सेकेंड फाइव ईयर प्लान में। उसके बाद किस फाइव ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश की गई थी, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे यहीं पर मेंशन कर दिए। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा फाइव ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी, आप लोग एक एक करके चेक करिएगा। पहले वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, दूसरे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा जो पाँचवें में दिया गया था ये भी आप लोगों का पूछता है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी किस में दिया गया था? ये पाँचवें फाइव ईयर प्लान में था। और जो आप लोगों का वो एक बैंक बना था आप लोगों का नबार्ड बैंक, तो नबार्ड बैंक जो बना था वो किस फाइव ईयर प्लान में बना था? तो सिक्स वाला, ये भी आप लोगों से पूछा है, जो 1982 में बना था 12 जुलाई को नबार्ड बैंक। उसके बाद सेवन तो लास्ट, ये तो सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए एक ही जगह लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था नेशनल फ्रूट ऑफ द बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट पूछा गया है तो ये होता है जैक फ्रूट, कटहल भी बोलते हैं इसको। अब आप लोगों से क्या क्या फैक्ट और पूछे जा सकते हैं, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है उनसे रिलेटेड किसी और कंट्री का आप लोगों को नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री या नेशनल एनिमल कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने हर एक कंट्री के लिख दिया आप लोगों के लिए। पाकिस्तान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, शहबाज शरीफ है, उर्दू है, चार प्रोविंसेस है, कैपिटल इस्लामाबाद और यहाँ करेंसी क्या है? रुपी है। और जो भी यहाँ का नेशनल गेम हॉकी है, नेशनल बड़ा आप लोगों का क्या? चुकर है। नेशनल फ्रूट क्या है यहाँ का? मैंगो है। उसके बाद नेशनल ट्री देवदार है। नेशनल एंथम क्या? कौमी तराना। आप लोगों से पूछा जा सकता है पाकिस्तान का नेशनल एंथम क्या? कौमी तराना है। हाईएस्ट पे क्या? K2 है। लॉन्गेस्ट रिवर आप लोगों की इंडस रिवर है। और रीज़न क्या है यहाँ पर? इस्लाम रिलीजन में फॉलो होता है। और पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में 342 सीट है। और बॉर्डर क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए हर एक कंट्री के लिख दिए, अफगानिस्तान के भी यहीं पर लिखे हैं। उसके बाद चाइना के लिखे हैं, 26 प्रोविंसेस होते हैं। देन उसके बाद आप लोग का नेपाल आता है, नेपाल के पीएम कौन है? समय पुष्प कल दहली है। उसके बाद भूटान के बारे में भी लिख दिया कि यहाँ पर लोटे शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, अपर हाउस को नेशनल काउंसिल बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ जोंगखा है, टोटल प्रोविंसेस यहाँ 20 है, कैपिटल क्या है? थिम्पू भूटान की। और करेंसी पूछी जा सकती है आप लोगों को, भूटान की नगल ट्रम होती है, नेशनल एनिमल तकिन, और नेशनल बर्ड यहाँ पर रावेन है। नेशनल गेम भूटान का क्या? आर्चरी, तीरंदाजी। और नेशनल ट्री यहाँ क्या पर? साइप्रस है। और नेशनल फ्लावर क्या यहाँ पर? ब्लू पॉपी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को भूटान के बारे में याद रखनी है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सारे स्टेट है और उनमें जो भी फैक्ट है आप लोगों के कंट्री के वो सारे मैंने लिख दिए कि उनका नेशनल गेम क्या होगा, बर्ड क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने एक ही एक जगह मेंशन कर दिया हर एक कंट्री की। इसी तरीके से आप लोग मालदीव के भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो इज़ द होस्टिंग में 20th एडिशन ऑफ द फुटबॉल AFC, जो फुटबॉल होती है चैंपियन, उसका 2022 में वुमेन वाले में होस्ट कंट्री कौन था? तो ये होस्ट आप लोगों का इंडिया था, लेकिन जीता किसने था इसको? चाइना ने जीता था। और जो अवार्ड है वो भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? शेन शान था। टॉप स्कोरर कौन था? सैम कैर था। और बेस्ट गोलकीपर क्या था? जू यू यू। तो ये आप लोगों के लिए यहीं पर मेंशन कर दिया। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी 23 जून 1757 को, और किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आप लोगों की, ये ब्रिटिश कंपनी को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसमें जो था बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, जो हार गया था। तो ये थी आप लोगों की बैटल ऑफ प्लासी। अब इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल है सारी की सारी एक जगह आप लोगों को मिल जाएंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1191 में, सेकंड बैटल 1192 में, फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी आप लोगों की? 1526 में। तो सारी की सारी बैटल मैंने आप लोगों के लिए एक जगह मेंशन कर दी है, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में थोड़ी सी ईजी रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तालीकोटा कहाँ पड़ता है कर्नाटका में, त्राइन कहाँ पड़ता है हरियाणा में, और हल्दीघाटी कहाँ पड़ता है राजस्थान में, और वांडीवास कहाँ पड़ता है आप लोगों का? तमिलनाडु में पड़ता है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। सामूगढ़ यूपी में पड़ता है। और खानवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और घाघरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ये भी सारे जो इंपॉर्टेंट बैटल के जो फील्ड क्षेत्र थे, जो एरिया थे, ये करंट में किस स्टेट में पड़ते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहीं पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था अवार्ड वन बाय द एलाइस पेरी, तो एलाइस पेरी जो है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, तो इसके द्वारा कौन सा अवार्ड जीता गया है? तो इन्होंने जीता गया है जिसको बोलते हैं रशेल हेहो ट्रॉफी जीती है, और ये डेकेड अवार्ड था, जो फीमेल क्रिकेटर है तो डेकेड अवार्ड, 10 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मर किसने दी है? तो वह एलाइस पेरी।
उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था विच अवार्ड वन बाय द यामिनी कृष्णा मूर्ति, तो जो यामिनी कृष्णा मूर्ति है इनके द्वारा कौन सा अवार्ड जीता गया है, तो इन्होंने जीता आप लोग का पद्मश्री जीता था 1968 में, और पद्म भूषण जीता था 2001 में, और पद्म विभूषण जीता था 2016 में। तो इनमें से आप लोगों को कोई ऑप्शन होगा कौन सा अवार्ड किस ईयर में नहीं जीता है, तो ये यामिनी कृष्णा मूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन था आप लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 300A में आता है। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा 1978 में, उससे इसको हटा करके फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोगों से पूछा गया था फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो ये थे आप लोगों के हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था 1336 ईस्वी में। अब इसके बारे में इनकी कैपिटल क्या थी, हम्पी थी, और किस रिवर पर था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तुंगभद्रा रिवर पर। तो रिवर का नाम भी याद रखिएगा, किस रिवर के बेस पर ये फाउंड किया गया था, तुंगभद्रा रिवर। उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो था इस पर चार डायनेस्टी ने रूल किया, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, संगम थी, सलुवा थी, तुलुवा थी और अराविडू थी। तो ये थे क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन याद है आप लोगों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसे ही 25 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस थी, इसी तरीके से हम लोग थर्ड शिफ्ट की भी एनालिसिस करेंगे और फोर्थ शिफ्ट की भी एनालिसिस करेंगे। आई होप अगर आप लोगों को आईस्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एसएससी सीजल की ओर से बाकी शिफ्ट भी कंप्लीट होती रहेंगी उनकी एनालिसिस आईस्टडी चैनल से आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।